नवाज शरीफ और पाक आर्मी के बीच हुई बड़ी डील, इस वक्त एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। खबर, लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की संभावनाएं तेज हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार मार्च तक गिरने की खबर आ रही है। इमरान और जनरल बाजवा के बीच तल्खी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक और जो मेरे पास ब्रेकिंग आ रही है वो मैं बताने से पहले मैं सीधे चलूंगा आपको यहां पर, इसका बिग बॉल दिखाना चाहता हूं। आइए, शेख राशिद वाली खबर है, अगर इसके बाद में गलती हो तो आइए सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या है पाकिस्तान लौटने के बाद का नवाज का प्लान, ध्यान से देखें आप इसको। पाकिस्तान की सियासत में नए साल के साथ ही बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। पाकिस्तान में कयास तेज हो गए हैं कि नवाज शरीफ जनवरी 2022 में पाकिस्तान लौट रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, चेंज करें। जानकारों का मानना है कि नवाज पाक लौटते ही कोर्ट के सामने पहले सरेंडर करेंगे, यह जानकारी है। नवाज के कोर्ट में सरेंडर के बाद उनकी रोज नियमित सुनवाई की जाएगी, यह भी जानकारी है। नवाज आर्मी चीफ के बीच डील के तहत पाक सेना के दखल से नवाज बरी होंगे, यह भी जानकारी है। कोर्ट से बरी होने के बाद नवाज एक बार फिर से पाकिस्तान के पीएम बनेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं। पाकिस्तान में इससे पहले इसी फॉर्मूले पर बेनजीर भुट्टो पाक में प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। मैं चाहूंगा ये शॉर्ट्स और ये वॉल लेकर सीधे आए, मेरे साथ पुष्पेश सर मौजूद हैं। सर, ये आप क्या समझा जाए, वैसे दोनों ही क्रिएशन है पाकिस्तान आर्मी के, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, लेकिन क्या ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शन अब? सर आपका ऑडियो म्यूट है पुष्पेश सर। निशांत भाई, मुझे लगता है जो एम्बेसडर विष्णु प्रकाश कह रहे थे बात वो असल है। इसमें न तो कोई हैरानी की बात है और न इसमें कोई आशा की बात है। मुझे लगता है स्थिति यह है कि ये सारे मोहरे पाकिस्तानी सेना के बार बार आजमाए जा चुके हैं, खारिज हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। तो अब आप एक म्यूजिकल चेयर्स का खेल खेलते रहिए, पर्दे के पीछे से ISI और आर्मी संचालित करते रहें अपने नापाक इरादों को भारत के विरुद्ध। मुझे लगता है कि हम ये समझें कि नवाज शरीफ के आने से भारत पाक रिश्तों में कोई फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान में जनतंत्र बहाल होगा, तो ये बेकार की बात है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तुलना किसी भी ऐसे देश से नहीं की जा सकती जहाँ न्यायपालिका निष्पक्ष है, निर्भय है और स्वाधीन है, और वहाँ जो सेना है उसका इतने लंबे समय से वर्चस्व रहा है। एक छोटे अंतराल को छोड़कर जब बांग्लादेश के उदय के बाद वो बदनाम बुरी तरह हुई थी और असफल रही थी, मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई भी संभावना कि नवाज शरीफ के आने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।